अब हमारा कौन सा टॉपिक है बेटा, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव मीन्स कोई भी चीज का कलेक्शन जो होता है, ठीक है, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, सॉरी, ओके। सो कलेक्शन जो चीज होती है बेटा, तो कलेक्शन कब होता है बेटा, जैसे कपड़ों का कलेक्शन आप लोग देखते होंगे बहुत सारी बुटीक्स से, आप यहाँ पे बुटीक्स मतलब जो भी आप लोग देखते हैं बेटा, दुकानें होती है, कपड़ों की दुकानें होती है, तो वहां पे क्या है, फुटवेयर की दुकानें होती है बेटा, चप्पल वगैरह, शूज वगैरह की, तो वहां पे हम लोग ये वर्ड देखते हैं कलेक्शन। तो कलेक्शन मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों का क्या है बेटा, कोई भी एक नाम दिया जाता है, कितना नाम दिया जाता है, ओनली वन नेम। कितना नाम दिया जाता है बेटा, वो सारी चीजों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, तो वही नाम को हम लोग बेटा कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अंडरस्टूड, समझ में आया। जब बहुत सारी चीजों को मिलाकर कोई एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नाउ सी, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम वी गिव टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। तो किसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन हम लोग, अगर कोई ग्रुप है, जैसे आप लोग का स्टूडेंट्स का ग्रुप है क्या नहीं, आप लोग फोर्थ स्टैंडर्ड में हो, तो फोर्थ स्टैंडर्ड वाले बच्चों को फोर्थ वाले ही बोलेंगे, ना कि फिफ्थ स्टैंडर्ड वाले बोलेंगे, ठीक है। या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स, कोई चीजों का ग्रुप है बच्चों, पीपल, तो पीपल मतलब लोगों का ग्रुप है, जैसे आप लोग थिंग्स के ग्रुप में देखते हैं चेयर्स होती है, ठीक है। देन क्या होता है बेटा, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का ग्रुप होता है ना, होता है कि नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग आसमान में देखते हैं, तो जब स्काई में देखेंगे, आसमान में देखोगे, तो बहुत सारे बर्ड्स एक साथ में उड़ते हैं, देखना आप लोग कभी शाम के वक्त, इवनिंग में आप लोग देखोगे बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स, कोई भी बर्ड होता बेटा, कबूतर ले लो आप लोग, ठीक है, पिजन हो गया, क्रो हो गया, चिड़ियाएं हो गई, डिफरेंट डिफरेंट, वो क्या करते हैं शाम के वक्त, देखना आप लोग, ग्रुप में उड़ते हैं, कहाँ पे उड़ते हैं बेटा, आसमान में फ्लाई करते हैं। तो वो जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक नेम देते हैं, क्या करते हैं बेटा, वन नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, नाउ सी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वी विल सी ओवर हियर। नाउ क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड मतलब लोगों की जो भीड़ होती है बेटा, पीपल मतलब लोग और क्राउड मतलब भीड़, तो जो भी भीड़ होती है, भीड़ कहाँ पे लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अभी हमारी बकराईद गई है ना, बकराईद गई ना, आप लोगों ने छुट्टी वगैरह मनाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी था, तो बकराईद गई, तो बकराईद में जब आप लोग कभी देखना कि शनिवार बाजार है या कहीं पे भी, बहुत सारे बकरे वगैरह बिकने के लिए आते हैं, लोग बेचने आते हैं, आते कि नहीं, यस। तो वहां पे भीड़ लगती है ना लोगों की भीड़ लगती है ना बच्चों, लगती है, क्यों, क्योंकि वहां पे लोग बकरे वगैरह खरीदने आते हैं एक्सेट्रा। या फिर आप लोग देखना, कोई नेता है, नेता का भाषण चल रहा है, ठीक है, तो भाषण में क्या होता है बच्चों, कि आप लोग देखना कि वो जो भी बोलते हैं ना, तो उनका क्या है बेटा, वहां पे हमको क्या दिखाई देता है।